हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th का एक और टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिक में ही, बेसिक मैथ में ही, जिसका नाम है लॉग। लॉग के बारे में पढ़ेंगे, लॉग बेसिक के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि लॉग की चीजें कैसे बदलती है, क्योंकि ये जरूरी है। ये जो लॉग का चैप्टर है, ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपका, ये नहीं कि 11th या IIT या NIT या किसी भी कोर्स के लिए है या नहीं है, उसके लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इस सेंस में है कि आपको थ्रू आउट, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ में, बहुत सारी जगहों पे, फंक्शन में डोमेन निकाल रहे हैं, रेंज निकाल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों पे, कैलकुलस के और सारे पार्ट में आपकी लॉग का बहुत अच्छा यूज होता है। तो उस लॉग के यूज जानने से पहले, यानी उसको जानो, उसके लिए आपको ये थोड़ा सा लॉग जानना आना चाहिए। इसलिए आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक। आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक के बारे में, लॉगरिथमिक पढ़ेंगे। देखो, किसी भी नंबर को लॉगरिथमिक पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी नंबर को लिखने का दो तरीका होता है। जैसे मान लो कि अगर मेरे पास 36 एक नंबर आ गई, एक नंबर 36 आ गई, तो 36 को मान लो कि थोड़ी देर के लिए मैंने लिखा कि 6 की पावर 2, ऐसे लिखा। यहाँ पे जो ये है 36, कोई एक नंबर है जिसमें ये 6 है, ये आपका बेस है, और ये 2 है, इसको कहा जाता है, 2 को, 2 का नाम होता है, कई बार इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट भी इसको नाम देते हैं, कई बार इसको इंडेक्स भी कहते हैं, इसका नाम इंडेक्स भी होता है, और कई बार इसका नाम पावर भी होता है, जो कि जनरली लोग इसको पावर ही बोलते हैं कि 6 की पावर 2, यानी 6 का स्क्वायर। तो जो ये पावर है, ये देखो, ये जो नीचे लिखा है, ये बेस है, ये 36 आपका एक नंबर है। तो इसको लिखने का, अच्छा, इसी सेम ये नंबर को लिखने का एक और तरीका हो सकता है। जैसे मान लो मैंने लिखा कि ऐसे लॉग बेसिक्स 36 इज इक्वल टू 2, ये दोनों सेम चीज है। ये देखो, ये भी 36 को लिखने का तरीका वो है, या 36 को लिखने का तरीका ये है। जो ये वाला फॉर्म है, यानी जो ये वाला फॉर्म है, ये फॉर्म कहलाता है लॉगरिथमिक फॉर्म, इसी को बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म, और इसको कहते हैं कि ये जो लिखा गया है, ये है एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म। अच्छा, कई बार ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये कई बार एंटी लॉग भी है। ये कई बार देखो, यहां से यहां पे लॉग हट गया, तो ये देखो 36 के पास से लॉग हट गया, तो ये आपका हो गया, यहाँ पे लॉग हट गया, ये सिर्फ एक्सपोनेंट फॉर्म आ गया। तो कई बार इसको एंटी लॉग भी नाम देते हैं कि एंटी लॉग है ये, एंटी लॉग आप 36 भी इसको हम बोलते हैं। जरा एक चीज आप ध्यान से देखें, जरा इसी बात को मैं थोड़ा सा और आपके सामने समराइज करूंगा कि 6 की पावर 2 इक्वल टू 36 था, 36 था। अब हमने यहाँ पे आपका, या मैंने ऐसे लिखा था कि 36 इक्वल टू 6 की पावर 2, या इसी चीज को मैंने लिखा था कि लॉग बेस 6 36 इक्वल टू यहाँ पे 2, ये दो बातें मैंने लिखा था आपके लिए। देखो, अब देखो एक चीज ध्यान से देखो कि हो क्या रहा है, जब ये लॉग हट रहा है तो ये इसके पास जाके 6 की पावर 2 बन रहा है। मतलब अगर कोई कहे कि हमके लॉग को रिमूव करना है, तो लॉग अगर हम रिमूव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा कि 36, और जो ये बेस है, ये स्टील बेस, मतलब एक बार जो इसका नाम पड़ गया, यहां भी ये बेस था तो यहां भी ये बेस रहेगा, जो बेस है वो स्टिल बेस है, और 6 की पावर 2, देखो यही चीजें बन रही है। तो ये लॉग से एंटी लॉग फॉर्म या लॉग से एक्सपोनेंट फॉर्म बनाने में ये चीज बन रहा है। लाइक आपका अगर यहाँ पे एक चीज लिखा जाए कि अगर a की पावर x इज इक्वल टू, मान लो हम थोड़ी देर कह रहे हैं कि y है, a की पावर x इज इक्वल टू y है, ये कहलाएगा कि ये है बेटा एक्सपोनेंट फॉर्म, ये है आपका एक्सपोनेंट फॉर्म। अगर इसी को लॉग के फॉर्म में लिखना होगा, देखो लॉग लिखेंगे, बेस वही का वही रहेगा। अब एक चीज ध्यान देखो, जो एक्सपोनेंट फॉर्म का जो आंसर है वो यहां आ जाता है, और जो इसकी पावर है वो यहां जहां चला जाता है ये। तो यानी ये 36 के जगह पे आपका वाई हो जाएगा, और इसके जगह पे आपका एक्स हो जाएगा। ये चीज आपका, ये कहलाएगा लॉगरिथमिक फॉर्म। ध्यान देना कि क्या चीज है,
क्या चीज है आपका, क्या नहीं बदला बच्चों, क्या नहीं बदला कि बेस हाँ कभी नहीं बदलेगा। जो ये नंबर है लॉगरिथमिक एक्सपोनेंट फॉर्म में जो इसका आंसर होता है वो लॉग के पास आ जाता है, और जो लॉग वाला आंसर, जो लॉग जो इसमें आपका पावर है वो लॉग का आंसर हो जाता है। मतलब कुल मिला के ऐसे हुआ, क्या मतलब हुआ, जैसे क्या यहाँ पे हमने क्या पूछ रहे थे, जैसे ये 636 था तो आंसर लाने के लिए हम पूछ रहे थे कि 6 का कितना पावर करेंगे कि 36 होगा। जरा समझना बात को, समझना कि 6 के कितना पावर करेंगे कि ये 36 हो जाएगा। तो 6 के पावर हम करेंगे 2 तो ये 36 हो जाएगा। लाइक मैं अगर मान लो यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूं कि अगर मैंने लिखा कि आपका लॉग बेस 28, तो हम अपने आप से एक सवाल पूछेंगे। अभी प्रॉपर्टी पे भी मैं चलूंगा, लेकिन उससे पहले अपने आप से एक पहले बेसिक तो समझ ले फंडा इसका। इस पे मैं अपने आप से सवाल पूछूंगा कि 2 का यानी बेस 2 का कितना पावर किया जाए कि 8 हो जाए। तो आपका आंसर आ रहा होगा अपने मन से, दिल से ये अपने आवाज पूछना कि 2 की कितनी पावर किया जाए कि आंसर 8 हो जाए। मतलब हाउ मेनी पावर ऑफ 2 बिकम 8, तो 2 की कितनी पावर किया जाएगा 3। किसी ने आपसे पूछा कि सर लॉग बेस 2 रूट 2 यहां पे 2 लिखा, तो अब यू हैव टू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि हाउ मेनी पावर ऑफ रूट 2 गिव्स 2। तो रूट 2 की कितनी पावर, रूट 2 की कितनी पावर, रूट 2 की पावर 2 करेंगे तो ये आंसर 2 आ जाएगा। मतलब यहां पे आपका यहां इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट 2। मान लो सिंपली मैंने कहा कि यहां पे 2 है, यहां पे 1/2 है, तो 2 की क्या हम सवाल अपने आप से पूछेंगे कि 2 की कितना पावर 1/2 देगा। जरा बताओ 2 का कितना पावर 1/2 देगा। देखो तो 2 की पावर -1 कितना देगा, क्या ये 1/2 दे देगा क्या। मतलब कि ये हो जाएगा आपका 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 मतलब आंसर हो जाएगा -1। मान लो आपके पास आया कि 3√3, तो आप अपने आप से सवाल पूछोगे कि रूट ये 3 का कितना पावर किया जाए कि √3 आ जाए। देखो अभी अपने आप से सवाल कर रहे हैं, मतलब अभी हम उल्टा चल रहे हैं, प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे सब आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन उससे पहले बेसिक जानना अपने को जरूरी है कि हो क्या रहा है लॉग में। तो 3 की पावर कितना किया जाए कि √3 हो जाए, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर √3 किया जाएगा तो आ जाएगा। मतलब ये आपका √3 की पावर, आप अगर 3 की पावर 1/2 करो तो √3 हो जाएगा। मान लो किसी ने कहा कि ऐसे 3, तो आप अपने आप से सवाल पूछोगे कि 3 की पावर कितना किया जाए कि 3 हो जाए, 3 की पावर कितना किया जाए तो 3 हो जाए। बोलो सवाल क्या आया आपका जवाब, 1, मतलब ये आया आपका 1। मान लो फिर आपने एक सवाल पूछा अपने आप से कि लॉग बेस 6, आपने अपने आप सवाल पूछा कि इस 6 बेस वाले 6 का कितना पावर किया कि आपका 6 आ जाए, तो कितना पावर करना पड़ेगा 1, तो यहां पे फिर से आंसर आएगा 1। फिर से मान लो आपके सामने आया 6 और यहां पे मान लो क्या आया 1/36, तो आप क्या अपने आप से सवाल पूछोगे, क्या सवाल पूछोगे कि 6 की कितनी पावर किया जाए कि 1/36 हो जाए, 6 का कितना पावर किया जाए कि 1/36 हो जाए। तो देखो 6 का पावर, देखो 6 की पावर -1 करूंगा तो 1/6 होगा, 6 की पावर -2 करूंगा तो 1/6 स्क्वायर मतलब 1/36। मतलब आपको जवाब मिल चुका है कि 6 के पावर -2 करने की जरूरत है, मतलब यहां पे 6 की पावर आपने -2 किया। इतना ही नहीं, सपोज कि ऐसे आया log 1/6 36, आप फिर से क्या अपने आप से सवाल पूछोगे कि 1/6 का कितना पावर करें कि 36 हो जाए, तो फिर आप सवाल करोगे तो आपका जवाब ऐसे लिखोगे कि भाई 1/6 नीचे से ऊपर भेजना है, देखो ये नीचे से ऊपर भेजना है, यहां भी ऊपर से नीचे भेजना था, तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे भेजना होता है तो पावर माइनस आता है, तो पावर -2 करूंगा तो ये 6 की पावर -2, 6 की पावर 2 हो जाएगा और ये हो गया 36, मतलब फिर से आंसर आया -2। बोलो बच्चों समझ आ रहा है। अगर आपके सामने आया log √2 4, तो आप अपने आप से जवाब सवाल पूछोगे कि √2 का कितना पावर किया जाए कि 4 हो जाए, √2 का कितना पावर किया जाए कि 4 हो जाए। देखो √2 की पावर 1 किया तो √2 आया, √2 की पावर 2 किया तो 2 आया, √2 की पावर 3 किया तो 2√2 आया,
टू रूट टू की पावर फोर किया तो ये आपका अब जाके फोर आया, रूट टू की पावर फोर मतलब आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर। तो ऐसे ही अपने आप से सवाल करके अभी आपको आंसर निकालना है, ये आपका कहलाता है लॉग। अभी जो भी हम फॉर्म की बात कर रहे हैं ये है लॉगरिथमिक फॉर्म, ये जो भी बात कर रहे हैं लॉगरिथमिक फॉर्म, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में ही सोच रहे हैं अपन लोग कि एक ही चीज है ये और ये एक ही चीज है, सिर्फ अपन का कहने का तरीका बदल गया है कि अब लॉग में चीजों को देखना है। तो पहले अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि एक ही कितनी पावर किया जाए कि वाई हो जाए, क्या सवाल कर रहे हैं अपने से, हाउ मेनी पावर्स ऑफ ए बिकम वाई। तो आपको निकल के आ रहा है कि हाँ ए की पावर समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे टू, यहाँ पे माइनस वन, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, जरा सा इसका और एक चीज और देखते हैं इसके बारे में कि ये लॉग की चीजें कब कब होती हैं, कब कब नहीं होती हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि जैसे कि कोई भी, जैसे मैंने कहा कि ए की पावर, मैं थोड़ी देर के लिए रहा हूं कि ए की पावर एक्स एक नंबर है, ये एन है, ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा जा रहा है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसी का लॉगरिथमिक फॉर्म अगर लिखना होगा तो इसी एन का लॉगरिथमिक फॉर्म हो जाएगा लॉग, बोलो बेस तो बेस रहेगा ए, ये वाले नंबर यहां पे आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स। अब इसमें आपको ये जो लिखा गया है ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, अब इसमें जो समझने वाली बात है कि सर ये क्या हमेशा ही ऐसे ही रहेगा, किसी भी नंबर के लिए रहेगा, क्योंकि आपने जो देखो जो मैंने जितने सवाल दिया उसमें एक पैटर्न था, पैटर्न ये था कि जो हमने ये ले रखा है लॉग बेस ए एन इक्वल टू एक्स, इसमें हमने कुछ बातें ले रखी है, उसमें कुछ बातें ये ले रखा था कि जो यहाँ पे नंबर आ रहा था ये हमेशा आप ध्यान से देखो तो सब पॉजिटिव था, सारा का सारा नंबर पॉजिटिव था, और यहाँ पे जो नंबर था ये भी पॉजिटिव था, और किसी भी एग्जांपल में मैंने वन नहीं लिया था। तो ये दो चीजों पे कंडीशन लगी थी, क्या कंडीशन लगी थी कि आप देखो मैं इन्हीं चीजों को आपके सामने ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ये वाला लॉग यानी कभी भी लॉग बेस एन एग्जिस्ट वेन जो ये नंबर है n जो लॉग के साथ आती है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो का मतलब हमेशा जीरो से बड़ा, इक्वल भी नहीं जीरो के होना चाहिए। दूसरा कि जो ये बेस है ये भी जीरो से बड़ा होना चाहिए, और एक और एग्जांपल देखा था हमने उसमें एक और बात लिखा था कि जो बेस था वो वन नहीं था। सर जी आपत्ति क्या है, किसी का सवाल आएगा सर जी इसके साथ होता क्यों, क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्यों प्रॉब्लम क्या है, आपने x के ऊपर नहीं लिखा है। आपने देखा होगा कि x की वैल्यू नेगेटिव भी आई है पॉजिटिव आई है जीरो नहीं आई है, जीरो वाला मैं दिखा देता हूं एग्जांपल अभी, लेकिन ये हर वैल्यू आई है इसमें, लेकिन n के और a के ऊपर कंडीशन है, मतलब a और n की वैल्यू आपका सिर्फ n पॉजिटिव लेना है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव, मतलब ये आपको कहेंगे कि पॉजिटिव ही है ये, जीरो से बड़ा पॉजिटिव, ये ए भी पॉजिटिव, ए की वैल्यू वन नहीं होना चाहिए, साथ साथ ये तीनों ही चीजें होनी चाहिए कि एंड और एंड की, मतलब ये भी नहीं ये भी होना, तीनों एक साथ होना चाहिए तभी लॉग एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट का मतलब होता है जिंदा रहना, कि लॉग तभी तक अपना एग्जिस्टेंस शो कर पाएगा, जिंदा अपना दिखा पाएगा जब एन में पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव, बार बार बोल रहा हूं इसको याद रखना है बच्चों। अच्छा जैसे मान लो किसी ने कहा कि सर ए इक्वल टू वन होता तो क्या दिक्कत है कोई, ठीक है चलो देखो, अगर मैं मान लो कि पहले उससे पहले मैं थोड़ा सा जीरो वाला एग्जांपल आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो किसी ने कहा आपसे कि लॉग बेस टू वन इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, तो अपने आप से आप सवाल करोगे टू की टू की पावर कितना किया जाए कि वन आ जाए, हाउ मेनी पावर ऑफ टू विल बिकम वन, तो कितना होगा टू की पावर, टू की पावर जीरो बताओ क्या होता है वन, मतलब टू की पावर जीरो, आंसर आ गया जीरो, तो यानी आपका ये जीरो हो गया। अब सर यहाँ पे वन होता तो क्या आपत्ति है, जरा देखो तो वन होता तो क्या दिक्कत है, मान लो मैंने कहा कि लॉग बेस वन फाइव, बोलो वन की कितना पावर करे कि फाइव है, कोई भी मुझे ऐसा नंबर बता दो वन की कितनी पावर किया जाए कि फाइव हो जाए, क्या कभी वन की पावर हम वन की पावर एक करें तो भी एक, वन की पावर टू करें तो भी वन, वन की पावर थ्री करें तो भी वन, वन की पावर फोर करें तो भी वन, बोलो बच्चों कुछ भी कितना भी पावर करते रहो तो वन आएगा, मतलब कभी ये एग्जिस्ट कभी नहीं आएगा, मतलब ये नॉट पॉसिबल, कभी पॉसिबल ही नहीं है, सही है, यानी कभी भी ये पॉसिबल ही नहीं है। एक बात समझ में आ गई आपको कि ये चीज यानी आपका बेस में वन संभव नहीं है, यहाँ पे तो वन संभव है
यहाँ पे वन संभव है, लेकिन इस बेस में यहाँ पे वन संभव नहीं है। अच्छा दूसरा, मान लो कि किसी ने कहा कि सर यहाँ पे निगेटिव नंबर मैं डाल दूं तो क्या आपत्ति है आपको? तो बताओ बेटा माइनस टू की पावर कितना करूं कि तीन आ जाए? क्या माइनस टू की पावर वन करूंगा तो माइनस टू आएगा, माइनस टू की पावर टू करूंगा तो फोर आ जाएगा, माइनस टू की पावर वन बाय टू किया तो एग्जिस्ट ही नहीं किया, क्योंकि इसका मतलब हुआ रूट में माइनस टू नॉट एग्जिस्ट। तो ये आप सिंपली समझ सकते हैं कि ये सब चीजें भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब कि आपका ये नीचे में निगेटिव भी नहीं हो रहा है, मतलब ये भी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अच्छा एक और जरा समय एग्जांपल, ये जो नीचे लिख रहा हूं इसको मैं हटा दे रहा हूं, तीसरे पे भी मैं बात कर लेता हूं कि सर जी जरा ये बताइए कि लॉग बेस टू यहाँ पे माइनस फोर आप ले आ दो ना, क्या दिक्कत है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जरा बताओ टू की पावर ऐसा क्या किया जाए कि माइनस फोर आ जाए, बोलो कोई भी पावर बताओ टू की पावर कितना किया जाए। मैंने मान लो माइनस वन किया तो वन बाय टू आ गया, मन में आएगा कि सर माइनस करो ना आ जाएगा, तो वन बाय टू आ गया, टू की पावर माइनस टू किया तो वन बाय फोर आ जाएगा, और छोटा हो रहा है, टू की पावर माइनस वन बाय टू किया तो वन अपॉन रूट टू हो गया और छोटा हो गया, कोई फर्क ही नहीं, मतलब ये वैल्यू आपका छोटी हो रही है। टू की पावर वन किया तो टू आया, टू की पावर टू किया तो ये आपका आया फोर, लेकिन प्लस फोर आया माइनस फोर आया नहीं, मतलब कभी हम इसकी पावर करके कभी ले ही नहीं आ सकते हैं ये, तो इसलिए भी ये आपका होता है नॉट पॉसिबल। बोलो बच्चों समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें संभव नहीं है, क्या क्या कि लॉग के अंदर जो ये हमने लिखा है, फिर से मैं लिख रहा हूं लॉग बेस ए एन बराबर जो ये चीज है, ये वाली बात कब एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट मतलब ये इसका एग्जिस्टेंस कब शो करेगी, जब ये लॉग के बगल में ये नंबर हो वो हमेशा पॉजिटिव है, मतलब निगेटिव या जीरो नहीं चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। दूसरा ये जो बेस है ये भी क्या चाहिए, पॉजिटिव, और क्या चाहिए, नॉट इक्वल टू वन। ये मैं बार बार आपको कहूंगा सर एक ही बात क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहा हूं ताकि यही तो जरूरी है आपको अभी याद रखना कि ये बेस के साथ लॉग के साथ ये दिक्कत है कि इतनी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये हमको आ जाएगा तो उसके बाद से बाकी हम चीजें बता सकते हैं। एक और बात जरा ध्यान से इधर देखो, जब इसकी वैल्यू हम निकाल रहे थे तो लॉग बेस ए एन की वैल्यू निकाल रहे थे तो यहाँ पे कभी हम प्लस वन लिखे हैं, कभी जीरो लिखे हैं, कभी माइनस भी लिखे हैं, कभी प्लस भी लिखे हैं, कभी जीरो लिखे हैं। सर हमको कैसे पता चलेगा, हम का हर बार हमको वैल्यू निकालना ही पड़ेगा? कोई ऐसा सवाल आ गया जिसकी पावर में हम करते जा रहे हैं हमको पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये वाली वैल्यू कितने पावर होने पर ये देगा, तो हम कैसे बताएंगे कि ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा? अब ये तो समस्या खड़ी हो गई, अब इस समस्या का समाधान भी होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं यानी काम की बात। एक गरीब बच्चा होता है, एक तेज बच्चा होता है, तो गरीब बच्चा अपने आप को गरीब नहीं समझे तब तक कि जब तक कि वो चीजें सीख ना ले। तो आप ये समझो कि ये हर किसी के लिए फंडा है कि आप इतना कॉन्सेप्ट लगा के पता करो कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव, बजाय कोई ऐसा तरीका हो कि सर हम देखते ही बता दें कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव। ठीक है, तो उसके लिए एक थोड़ा सा मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा और एग्जांपल लेके फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपका ये कब पॉजिटिव कब निगेटिव है। तो आओ देखो बच्चों, देखते हैं ये कब ये पॉजिटिव कब निगेटिव के बारे में क्या होगा। तो पहले हमको थोड़ा सा आप एक दो सवालों का जवाब दे दें। जैसे मैंने कहा कि थ्री वन बाई थ्री का आपका जवाब क्या आएगा, तो सर माइनस वन, सर ये तीन की पावर माइनस वन करूंगा तो वन बाई थ्री आ जाएगा। बहुत बढ़िया, मैंने पूछा थ्री थ्री और ये आपका थ्री, जवाब क्या आएगा आपका, सर ये थ्री की पावर वन करूंगा तो ये हो जाएगा, या अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको वन कर देता हूं तो थ्री तो क्या हो जाएगा, ये वन करूंगा तो आपका जवाब हो जाएगा सर जीरो, तीन की पावर जीरो करूंगा तो वन आ जाएगा। फिर मैंने कहा थ्री, यहाँ पे कहा नाइन, मतलब तीन की पावर ऐसा क्या किया जाए तो ये आ जाए आपका, तो सर जी आप टू कर दीजिए। या फिर अब मैं पूछता हूं जरा बताओ वन बाई थ्री नाइन क्या हो जाएगा, वन बाई थ्री का कितना पावर किया जाए कि नाइन हो जाए, तो फिर नीचे से ऊपर, जैसे वहां ऊपर से नीचे भेजना था तो माइनस किया था, वैसे नीचे से ऊपर भेजना है तो ये माइनस करेंगे और वो आ जाएगा माइनस टू। तो आपको दिख रहा होगा
कि ये आपका, या एक और सवाल मैं लेता हूँ, जैसे लाइक ऐसे देखो, मैंने कहा कि लॉग 1/3 और यहाँ पे है 1/27, बोलो अब आप अपने से सवाल करोगे कि इस 1/3 का कितना पावर किया जाए कि 1/27 हो जाए, यानी 1/3 की पावर कितना किया जाए कि 1/27 हो जाए, तो 1/3 की पावर करना पड़ेगा कितना, 3, कितना करना पड़ेगा, 1/3 की पावर 3। तो अब आपको देखो कि ये निगेटिव है, ये जीरो है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब ये निगेटिव पॉजिटिव कैसे डिसाइड करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है, आप इनको देख के ऑब्जर्व कर लो, ऑब्जर्व कर लो, यहाँ पे 3, अब देखो लॉग में बैरियर होता है, यहाँ का बैरियर है 1, क्योंकि आपको पता है 1 पे चीजें डिफाइन नहीं थी, 1 पे आपका चीजें डिफाइन नहीं थी, नॉट पॉसिबल था, यहाँ पे 1 था तो नॉट पॉसिबल था, यहाँ पे बेस में 1 नॉट पॉसिबल था, तो 1 इसका बैरियर होता है, 1 इसका बैरियर होता है, कैसे, अब देखो 3 जब यहाँ पे, ये 3 1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा है, ये वाला 1 से बड़ा, ये वाला 1 से छोटा, आंसर नेगेटिव, ये वाला 1 से बड़ा, ये वाला भी 1 से बड़ा, आंसर पॉजिटिव, ये वाला 1 से छोटा, ये वाला 1 से बड़ा, आंसर नेगेटिव, ये वाला 1 से छोटा, ये वाला भी 1 से छोटा, आंसर पॉजिटिव, मतलब ये दोनों 1 से छोटे या दोनों 1 से बड़े तो आंसर पॉजिटिव, या दोनों में से कोई एक 1 से बड़ा और 1 से छोटा हो रहा है, दोनों में से कोई एक 1 से बड़ा 1 से छोटा हो रहा है, तो आंसर निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव कैसे पता करेंगे, तो देखो लॉग बेस ए एन, ये आपका पॉजिटिव निगेटिव कब होगा, तो पॉजिटिव तब होगा इसकी वैल्यू, देखो मैं एक ही बार लिख रहा हूं कि दोनों ही a भी 1 से बड़ा हो, n भी 1 से बड़ा हो, मतलब a वाला ऊपर वाला भी 1 से बड़ा और ये वाला भी 1 से बड़ा, या फिर दोनों 1 से छोटे हो एंड n भी 1 से छोटा हो, या तो दोनों 1 से छोटे हो या दोनों ही 1 से बड़े हो, ये दोनों 1 से बड़ा, मतलब बस आपको एक नजर में देखना है, आंसर बोलना है कि 1 से बड़ा दोनों पॉजिटिव, दोनों 1 से छोटा नेगेटिव, दोनों 1 से छोटा पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव के बारे में कब होगा, ये नेगेटिव कि जब 1 1 से बड़ा हो और 1 1 से छोटा हो, या फिर ए आपका 1 से छोटा हो और एन 1 से बड़ा हो। बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर 1 से छोटा मतलब कितना छोटा, कितना छोटा हो जाएगा कि 0 से भी नीचे चला जाए, नहीं, डिफाइंड तो रहना मांगता है, पहले डिफाइंड रहना चाहिए, मतलब ए पॉजिटिव एन पॉजिटिव, मतलब ये मैंने 1 से छोटा लिखा है मतलब 0 से 1 के बीच में, ये यहाँ पे 1 से छोटा लिखा है मतलब 0 से 1 के बीच में, यहाँ पे छोटा लिखा है मतलब 0 से 1 के बीच में, तो इस केस में मतलब एक भी गड़बड़ हुआ, आंसर नेगेटिव। अगर दोनों 1 से छोटे हैं, दोनों सेम तरह के हैं, मतलब दोनों 1 से बड़ा दोनों 1 से छोटा, बैरियर क्या है, किसके अबाउट देखना है, तो मतलब इसका बैरियर जो है, यही आपको अगर याद है ना कि बैरियर क्या है, तो 1 है, तो 1 के ऊपर नीचे देखना रहता है। जैसे देखो मैंने सवाल पूछा कि कौन फाइंड द साइन ऑफ log, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। जैसे देखो किसी ने कहा 3/8, बोलो दोनों 1 से बड़ा, ये भी 1 से बड़ा, ये भी 1 से बड़ा, आंसर। मैंने पूछा 3/1/7, अब तो अपने आप से पूछते रहोगे कि 3 की पावर कितना होगा, 1/7, तो मुश्किल है ढूंढ पाना, लेकिन एक बात कह सकते हैं कि ये 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है, तो आंसर निगेटिव। मैंने कहा log √2 √1.5, जरा बताओ तो बताओ बच्चों, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, स्टिल याद रखना 1.414, 1 से बड़े का अंडर रूट भी 1 से बड़ा आएगा, तो ये भी 1 से बड़ा, ये भी 1 से बड़ा, दोनों 1 से बड़ा, आंसर क्या, पॉजिटिव। मैंने कहा log root 2 log root 2 1/log root 8, जरा बताओ तो क्या हाल है, क्या खबर है इसका, ये log root 2 का मतलब हो गया
लॉग 1.414, 1 अपॉन इसका मतलब हो गया 2√2, ये एक से कम ये एक से ज्यादा, क्लियरली आंखों से दिख रहा है आंसर नेगेटिव। किसी ने कहा लॉग 256 अपॉन 2 अपॉन 255, नेगेटिव की पॉजिटिव, तो ये वाला एक से बड़ा ये वाला एक से छोटा, मतलब नेगेटिव। किसी ने कहा लॉग 255 और इधर आपने किसी ने लिख दिया 1, आंसर क्या, तो यहाँ पे 1 देखते ही 2 255 का कितना पावर 1 देगा, तो आंसर दे देगा आपका 0। बोलो आई होप सबको समझ में आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव साइन पता करना, किसी भी सवाल का आप नेगेटिव पॉजिटिव साइन पता कर सकते हैं लॉग में, ये लॉग का। अच्छा एक और चीज है कि सर ये क्यों ऐसा बिहेवियर अपना चेंज करता है, तो इसके बारे में हम क्लास थोड़ा सा और लॉग में ही और आगे पढ़ेंगे इसी क्लास में, तो हम बता देंगे आपको कि क्यों इसका बिहेवियर 1 के आगे पीछे चेंज कर रहा है। उससे पहले इसका बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है, जबकि 1 के आगे पीछे इसका बिहेवियर चेंज हो जा रहा है, ऐसा क्यों, ठीक है, तो वो थोड़ी देर में आगे बढ़ेंगे तो हम आपको बता देंगे। अभी हम थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी के बारे में तब हम चीजें और आपको आगे दिखाएंगे, ठीक है। हाँ अच्छा आओ आप प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इसके प्रॉपर्टी देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी है। आपके पहले प्रॉपर्टी अगर आपकी हो जाएगी पहली प्रॉपर्टी, तो वही के वही हम लेके चलेंगे, वही कि लॉग बेस ए एन अगर जिंदा है दुनिया में तो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे एन पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, ए नॉट इक्वल टू 1 है, ये तीन बातें हैं तो ये जिंदा है, अदरवाइज ये जिंदा ही नहीं है, यानी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी, आपने बार बार बता दिया कि सर जी यहाँ पे अगर दोनों बराबर हो गए तो उस दिन में ये आपका 1 होगा, मतलब ए की पावर कितना कि ए दे दे तो ए की पावर 1 ए दे देगा। तीसरा आपने ये भी बता दिया कि सर जी ये अगर ये 1/a और ये a होगा तो 1/a की पावर कितना, तो ये आपका 1/a की पावर कितना क्या जाए कि ये दे दे, तो आपने बोला -1। इतना ही नहीं, चौथे नंबर पे इसको मैं प्रॉपर्टी में कर रहा हूँ, आप आगे चल के बिना प्रॉपर्टी का भी देख सकते हैं, ये 1/a हो तो सर जी इसका पावर कितना किया जाए कि 1/a दे दे, तो ये -1। क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसको प्रॉपर्टीज में लिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा ईजी हो जाएगा चीजें आपके लिए। पांचवा कि अगर मान लो कि सर जी ए लॉग बेस ए यहाँ पे 1 हो तो आंसर, तो बेटा यहाँ पे कुछ भी हो, ए आपका डिफाइंड वाली चीज कुछ भी हो, अगर यहाँ पे 1 आया तो आंसर 0 ही होना है, पक्का है। छठा वाली प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी थोड़े काम की है, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 6 में लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन इज इक्वल टू हो जाता है लॉग बेस ए एम इंटू एन। पता है क्या, आपको इसके पीछे की छोटी सी मैं कहानी सुना रहा हूं कि ये जो जॉन नेपियर था, ये सब चीजों के बारे में, लॉग के बारे में जॉन नेपियर ने बताया था। जॉन नेपियर एक ऐसी चीज था, उसने एक चीज देखा जॉन नेपियर कि चीजें जो है कि ये मैथमेटिक्स की थोड़ी बेसिक्स कहानी है, फंडा इसलिए बता रहा हूं आपको कहानी ताकि थोड़ा याद रहेगा, लॉग को एक दूसरे से रिलेट कर पाओगे, इसके हिस्ट्री से थोड़ा सा आप रिलेट कर पाओगे। जॉन नेपियर क्लास का वो बच्चा था जो हर चीज को वो शॉर्टकट में करना चाहता था, मतलब उसको चीजें लॉन्ग या ज्यादा कैलकुलेशन करना पसंद नहीं था, यानी उसके कहने का मतलब ये हुआ कि वो क्लास का सबसे आलसी बच्चा था। और एक आलसी लेजी जो आदमी होता है हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है, चीजों को शॉर्टकट करने का तरीका ढूंढता है, वो भी लेजीनेस की वजह से, यानी ज्यादा कैलकुलेशन न करना पड़े, ज्यादा गुणा भाग न करना पड़े, जोड़ना घटाना तो फिर भी आसान होता है लेकिन मल्टीप्लाई करना कितना गंदा हो जाता है, तो इसके लिए वो ढूंढ रहा था तरीका, क्लास में बैठ के प्रैक्टिस कर रहा था, इधर उधर से कुछ ना कुछ कर रहा था। करते करते उसने देखा कि लॉग ऐसी चीज है कि जो आपका मल्टीप्लीकेशन है उसको ऐड यानी सम करने से आंसर आ जा रहा है, और जो डिवीजन है उसको सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आ जा रहा है, यानी जो मल्टीप्लीकेशन है उसको सम करने से आंसर आ जा रहा है, और जो डिवीजन है वो सब्ट्रैक्ट करने से यानी माइनस करने से आंसर आ रहा है। तो वो इसी को करके क्लास में करते बहुत सारा किया, बहुत खुश हो गए, अपने क्लास के बच्चों को दिखाया, फिर टीचर को दिखाया, फिर धीरे धीरे वही कॉन्सेप्ट बन गया, मतलब उसको बहुत पहले बात पता चल गई थी
कि मल्टीप्लीकेशन को सम के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है या डिवीजन को सब्ट्रैक्ट के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इससे उसको फायदा यह हुआ कि अब वो चीजों को मल्टीप्लाई ज्यादा नहीं करना पड़ता था, अब ऐड करने लगा वो चीजों को। यानी दो ये इसकी ये सब खुराफात हो, क्लास के सबसे आलसी बच्चा जॉन नेपियर उसने ये खुराफात किया था। अगर वो ना ऐसा किया तो आज आपको एक लॉग का चैप्टर या लॉग की चीजें के बारे में नहीं पढ़नी होती। बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉग, बहुत सारी जगहों पर यूज होता है ये, और इसके आने से बहुत सारी चीजें आसान हो गई। बहुत बड़े बड़े नंबर्स का लॉग टेबल देख के वैल्यू आसानी से आ जाती है। तो ये लॉग उतना ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको जॉन नेपियर की वजह से आप ये पढ़ रहे हो। आप ऐसे मान सकते हो कि कुछ पार्ट के लिए यही आपका जिम्मेदार है ये कि आप ये लॉग को पढ़ रहे हो यहाँ पे। तो ये आपका देखो मल्टीप्लीकेशन को सम में बदला या सम को मल्टीप्लीकेशन में, छठी प्रॉपर्टी। सातवीं प्रॉपर्टी, हाँ अच्छा सातवीं प्रॉपर्टी अपन देखेंगे। सातवीं प्रॉपर्टी है लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन इज इक्वल टू लॉग बेस ए एम बाई एन। मतलब आपका ये जो सम, जो ये सम है वो ऊपर वाला मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ, और जो सब्ट्रैक्शन है वो डिवीजन में या डिवीजन आपका सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ। आठवें नंबर की प्रॉपर्टी, आठवें नंबर की प्रॉपर्टी भी उतने ही काम की है। लॉग बेस ए कैपिटल एम की पावर एन है, अगर ये पावर एन है तो वो पीछे लटक जाएगा, ये पीछे यहां आ जाएगा, मतलब एन लॉग बेस ए कैपिटल एम। मतलब अगर यहां का पावर है ये वाला पावर पीछे आके झुल गया, यहां पे यहां आ गया। नाइन्थ नंबर की प्रॉपर्टी पे जरा हम बात कर लेते बच्चों। नाइन्थ नंबर की प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी, सारी प्रॉपर्टी कम से कम एक दो प्रॉपर्टी तो हम आपको प्रूफ करके दिखा देंगे, एक दो प्रॉपर्टी तो हम प्रूफ कर देंगे। नाइन्थ नंबर की प्रॉपर्टी है लॉग बेस ए ए की पावर एम या ए की पावर एन इंटू एम। अब जरा देखो, अगर ये नीचे वाला में पावर है, नीचे वाला में पावर एन है, तो ऊपर वाला पावर तो यहां लटक रहा था, नीचे वाला भी यहां जाएगा, लेकिन नीचे वाला नीचे ही रहेगा। ऊपर वाला पावर, ऊपर वाला पावर ऊपर रहा, नीचे वाला पावर नीचे चला जाएगा, मतलब 1 बाई एन लॉग बेस ए एम हो जाएगा। ये नाइन्थ नंबर की प्रॉपर्टी। टेंथ नंबर की प्रॉपर्टी आपकी, टेंथ नंबर की प्रॉपर्टी ए की पावर लॉग बेस ए एम अगर है, तो देखो बच्चों अगर ये भी बेस और लॉग का बेस, दोनों बेस अगर सेम हो गया, ये भी बेस और ये भी बेस, दोनों बेस सेम हुआ, तो उस केस में आपका ये हो जाएगा। इस केस में ये ए और ए हट जाएगा, सिर्फ आंसर एम बच जाएगा, सिर्फ आंसर एम बच जाएगा। दस के बाद 11 नंबर की प्रॉपर्टी देखो, ए की पावर लॉग बेस बी एक्स। जैसे देखना इस बार सब मैंने बदला है, ए बी एक्स सब अलग अलग किया है, तो इस बार ये वाला हंसते मुस्कुराते यहाँ आएगा और ये हंसते मुस्कुराते यहाँ आ सकता है। मतलब ये अपने आप को मुस्कुराते हुए, ये समझो कि इमोजी बन गया ना, आज के जमाने के लिए इमोजी बन गया, कि ऐसे ये चक्कर यहाँ पे ऐसे कुछ बना दिया तो इमोजी हो गया। तो ये मुस्कुराते हुए अपने आप को एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं। लॉग बेस बी एक्स यहाँ आप ए आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी आपकी है। तो ये आपके 11 नंबर की प्रॉपर्टी। 12 नंबर की भी प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ी देर के लिख देता हूं कि लॉग बेस ए बी जो है, ये जो प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं ना, ये और भी इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड प्रॉपर्टी कहलाती है। ए बी, अगर ये ए और बी हम चाहते हैं कि ये बेस यहां चला जाए और ये यहां चला जाए, तो इसके लिए हमको ज्यादा कुछ नहीं, 1/ कर दो लॉग बेस बी और ये ए हो जाएगा। मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर होने में ये आपका एक 1/ कर देंगे तो इसकी प्रॉपर्टी आपकी चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो कि लिखा है लॉग बेस 2 3, तो इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 1/ लॉग बेस 3 2, ये नीचे चला जाएगा। तो ये आपकी 12 नंबर की प्रॉपर्टी। जरा 13 प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, पहले सारी प्रॉपर्टी आप नोट कर लो, फिर हम 13वें नंबर की प्रॉपर्टी पे बात कर रहे हैं। आई होप आपने नोट किया कर लिया होगा। तो 13 नंबर की प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारा 13 प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि अगर मान लो कि लिखा है, अगर मान लो कि एक प्रॉपर्टी, ये भी बहुत काम की प्रॉपर्टी है, ये है ए और बी, हम चाहते हैं इनको अलग अलग करना। ध्यान से सुन लो,
हम चाहते हैं इनको अलग अलग करना, तो कैसे करेंगे अलग अलग? ये हो जाएगा वन अपॉन, देखो ये हम चाहे तो इसको, देखो इसको हम बोलते हैं ना कि ये जो है कि लालच वाली बात है, कि इस लॉक को हम थोड़ा सा लालच दिए तो ये समझ लो कि ये दो भाई हैं, लॉक के ये दो बच्चे हैं, या ये समझो कि ये लॉक अगर बाप है, पिताजी हैं, तो ये इनके दो बच्चे हैं, इन दो बच्चे अभी इकट्ठा एक साथ हैं अपने पिताजी के साथ, अब इनको कुछ लालच दिया गया, अगर थोड़ा सा लालच दिया गया यानी कोई सा भी हमने बेस लगा दिया, ये दोनों लालच के चक्कर में अलग अलग हो गए। देखो ये नीचे वाला नीचे आ गया, ऊपर वाला ऊपर आ गया, नया कोई बेस सी आ गया, ये आपका लालची है, मतलब ये दोनों अगर थोड़ा सा लालच दिया इनको, थोड़ा सा लुभावना दिया, तो ये एक सी का हमने लुभावना दिया, सी कोई भी, सी एनी पॉजिटिव नंबर, सी कोई भी एक पॉजिटिव नंबर जो कि एक के बराबर ना हो, क्योंकि बेस में जा रहा है ना, तो एक के बराबर ना हो, तो लालच देते ही ये बदल गया आपका, ये बदल गया आपका अलग अलग हो गया। तो ध्यान रखना ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि ये अलग अलग हो गया, ठीक है। अब ये आपका 13 तक प्रॉपर्टी हमने लिखा, ये 13 तक जो प्रॉपर्टी है, जो ये लास्ट में 10, 11, 12 और 13, ये चार प्रॉपर्टी बहुत काम की है, इसको आप ध्यान रखना। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, जैसे मान लो कि यहां लिखा है 3, यहां लिखा है 5, हमने कहा कि हमने मान लो इसको इन 3 और 5 को, यानी इस लॉक को 2 का लालच दिया, तो इन दोनों को अलग अलग कर दिया, कहा भागो यहां से, लो तुम यहां भागो और तुम यहां भागो, खुश रहो अलग अलग रह के, यानी इस लॉक को 2 का लालच दिया। अब यहाँ पे हमारी इच्छा होगी जिसका मर्जी उसका हम लालच दे सकते हैं, बस वो वाली चीज की जो भाई ये लॉक को एक्सेप्ट हो, ऐसा ना दे कि भाई इसको एक्सेप्टेंस ना हो और वो इस चीज को हम दे रहे हैं। भाई ये घर का वो बुजुर्ग आदमी है जिसको भाई अपनी शर्तें हैं, वो अपनी शर्तें अगर फॉलो करते हुए आपने इसको कुछ लालच दिया, तो ये भी आदमी है तो आदमी ही, कभी ना कभी मन में लालच आएगा, लालच आया हमने इसके शर्त के, इसके मुताबिक हमने कुछ दिया, ये इनको अलग कर दिया, तुम अलग जाओ, ठीक है। ये नीचे से अगर ऊपर भेजना चाहे तो देखो ये आपका log base 2 5, और नीचे से ऊपर भेजना चाहे तो हम लिख सकते हैं log base 3 2, ये भी सोचो कि देखो ये प्रॉपर्टी नंबर आपका लग गया 12 वाली, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये दूसरे का बेस इंटर चेंज हो जाएगा। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी है लॉक की, सब पे लगभग सब पे हम सवाल भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम प्रूफ देख लेते हैं एक दो प्रॉपर्टी का फील के लिए, मतलब फील क्या है इसके लिए, जरा हम प्रूफ देख लेते हैं कि क्या इसका प्रूफ है।